बिहार फसल सहायता योजना। बिहार फसल सहायता योजना के तहत सभी निवासियों को मिलेगा 7500 से 10000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जितने भी फसल निवासी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। दोस्तों, बिहार फसल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार ने एक नया गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें सभी यूजर को 7500 से 10000 रुपये के तहत यह राशि उनके खाते में डाली जाएगी। जी हाँ, यह राशि पाने के लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करने हैं और इसमें क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ मिलेगा। चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। आने वाली सभी जुड़ी जानकारी अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। तो हेलो एवरीवन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने आ गए हैं हम। दोस्तों, हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन जारी किया जाता है सारी जानकारी लाइव प्रूफ आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए शुरू कर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार फसल सहायता योजना 2021 और 2022। ठीक है दोस्तों, यह योजना 2021 से ही स्टार्ट और 2022 तक ये चलेगा। ठीक है, बिहार राज्य रबी फसल सहायता योजना के तहत दोस्तों बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को प्रोत्साहन करने एवं सहायता देने के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, बिहार फसल बीमा योजना के तहत भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर मैं बता दूं, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। रबी फसलों में गेहूं, अरहर, मक्का, ईख, आलू, राई, मसूर, जी हाँ यहाँ पर कई तरह के ऐसे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सरसों एवं प्याज इत्यादि फसलों को सम्मिलित किया जाता है। अलग अलग फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन के अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन कराना आवश्यक होगा, इसी निबंधन को आवेदन माना जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चैनल पर न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहां पर देखिए, 7500 उन किसानों को मिलेगा, उन फसलों वालों को मिलेगा जो प्रति हेक्टेयर 20% तक क्षति होने हैं। ठीक है, ठीक है, जिनका प्रति हेक्टेयर खेत है उनका 7500 मिलेगा। यहां पर देखिए, 20% से अधिक जो प्रति हेक्टेयर से है उनको 10000 रुपये मिलेगा। ठीक है, लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान को मिलेगा। ऑनलाइन निबंधन की सुविधा की गई है एवं फसल से ज़्यादा फसलों के चयन की सुविधा भी की गई है। सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों के लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। उससे पहले यार आप लोग इस वीडियो को निजी फ्रेंड दोस्तों को से तो यहां पर हम चलिए जान लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के थ्रू आपका आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, उसके बाद आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर लगेगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, उसके बाद आधार संबंध बैंक खाता लगेगा, आपका बैंक पासबुक लगेगा जिसमें आधार कार्ड और बैंक पासबुक में लिंक हो, क्योंकि दोस्तों आपका ना पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आपके नेम से डाला जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि भू स्वामित्व, जी हाँ दोस्तों, प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद 31 मार्च के प्रस्ताव, निर्गत स्व घोषणा पत्र, चयनित फसल एवं बुआई का रकबा का सही और पूर्ण विवरण, आवेदक का फोटो, ये सब लगेगा। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों इसकी कुछ इमेज भी जारी किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ आपको जानकारी देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, सभी के अलग अलग डेट दिए गए हैं। ठीक है, गेहूँ फसल बोए हैं तो आपको 26 फरवरी 2022 तक स्टार्ट है। मक्का बोए हैं तो 26 फरवरी 2022 से स्टार्ट है। अगर मसूर बोए हैं तो 15 फरवरी 2022 से स्टार्ट है। अरहर बोए हैं तो 28 मार्च से स्टार्ट है। चना बोए हैं तो 31 जनवरी से शुरू है। और ईख बोए हैं तो 28 फरवरी से 31 मार्च से आलू सॉरी 31 जनवरी से आलू सही मतलब आपका सही शुरू है। राई सरसों 31 दिसंबर 2021 से ही शुरू है। और प्याज 15 फरवरी 2022 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा कि लाभार्थी को बिहार फसल सहायता योजना के आवेदन हेतु सहकारिता विभाग की विभागीय पोर्टल पर यहां पर देख सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको जाकर बिहार फसल योजना के लिए 31 जुलाई 2021 तक निबंधन कराया जा सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आपको, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का लिंक ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर सारे मान्यता पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिंक आपको दिख रहा होगा, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, मैं सभी यूजर को केवल फसल सहायता योजना के तहत इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों हमारे सामने जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन जारी होता है सबसे पहले हमारे इंफॉर्मेशन चैनल पर डाला जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्लिक किए हैं हमारे सामने dbtagriculture.bihar.gov.in, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है, ठीक है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो ठीक है, अन्यथा आप किसी भी साइबर कैफ दुकानदार से भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कृषि इनपुट योजना खरीद पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ और एक नया अपडेट आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हैं इस तरह का कुछ अपडेट आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ, चिंता ना करें, यहाँ पर सारी जानकारी आपको प्रूफ के साथ दिया जाएगा। क्योंकि हमारे सामने जो भी यह योजना अब बंद हो चुकी है कृषि विभाग से रिलेटेड, देखिए यहाँ पर बता रहा है। सबसे पहले आपको पंजीकरण पर पंजीकरण करना होगा, तभी जाकर यह योजना के लिए आप प्राप्त होंगे, ठीक है। पंजीकरण करे पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। पंजीकरण करें पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पंजीकरण पर जैसे हम क्लिक किए हैं यहाँ पर देख सकते हैं कुछ क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको पढ़िए आप लोग, लिख रहा है विभागीय कार्य हेतु किसान पंजीकरण अगले आदेश 21/1/2022 तक बंद रहेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि 21 जनवरी तक आप लोगों का ये पंजीकरण का जो पोर्टल है ये बंद रहेगा। 21 जनवरी के बाद आप लोग इसे ओपन कर सकते हैं और आसानी से यहां पर पंजीकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। 21 जनवरी तक अधिकारियों ने बंद कर रखा है, ठीक है, 21 तारीख तक। तो दोस्तों आप लोग 21 तारीख यानी 22 तारीख जब आएगा तो आसानी से यहां पर पंजीकरण कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आप किसी भी साइबर कैफ दुकानदार से भी संपर्क करके यह करवा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।